तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ नया सीख लेते हैं। भाई साहब के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हटके कुछ नया लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी भाई साहब आपके लिए कुछ हटके कुछ नया लेके आए हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में आपने स्टेटस देख लिया, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही बनाना सिखा रहे हैं। बस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो से जो रिलेटेड सामग्री है मैंने कहाँ किस प्रकार से रखी है उसके बारे में भी लास्ट में जान लीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या कर लेना है, आपको आज जो है हम अलर्ट मोशन के बजाय काइन मास्टर से बनाना सिखा रहे हैं। इसको वीएन एडिटर ऐप से भी बना सकते हो और कट के ऐप में भी बना सकते हो। फिर भी मैं अलर्ट मोशन और इनके बजाय आज जो है काइन मास्टर को ही कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले काइन मास्टर के अंदर आएंगे इस तरीके से। आने के बाद प्लस वाले आइकन पे आएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, और इस तरीके का हमको रेशियो चाहिएगा 9:16 का। तो इस तरीके से लेने के बाद आपको क्या कर लेना है फ्रेंड्स, आपको अपनी मीडिया से वो कुछ पिक्स लेनी है जहां आपके जिस भी फोल्डर के अंदर हो। तो मैं यहाँ पे ये वाली टेम्पलेट यूज़ करनी है, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे फिल द कंपोजिशन एरिया कर देंगे। और करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आना है और क्रोमा की को जो है ऑन कर देना है, और जो परसेंटेज है वो 65 कर देना। इस तरीके से ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से कर लेने के बाद मैंने नीचे नाम भी लिखा था, एक गाना बना बनाया है वो भी लगा सकते हो। तो मैं सारे बता देती हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद आपको फिर से इसी में आना है और ये वाला इफेक्ट जो है आपको ऐड कर लेना है, और यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद आपको फिर से इस पर इस तरीके से कर देना है, और कर लेने के बाद फिर से इसको क्रोमा की पे आएंगे इस तरीके से, और 65 कर देना पूरा। तो यहाँ पे इसको फिर से 65 कर देना। ये दोनों इफेक्ट लग चुके हैं, और इसके बाद आपको फिर से इस तरीके से, ये फ़ोटो सही नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से फ़ोटो भी सही करना है। इसके बाद फिर से आपको डाउनलोड करना है, और फिर से ये वाला इफ़ेक्ट जो है ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आपको क्या कर लेना है, देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और फुल स्क्रीन कर देंगे। और इस तरीके से करने के बाद आपको क्या कर लेना है, इसको ब्लेंडिंग पे आके स्क्रीन कर देंगे। और करने के बाद आपको क्या कर लेना फ्रेंड्स, इसको सैंड बैक कर देना थोड़ा सा, सैंड बैक। तो ये हमारे जो पिक है उसके थोड़ा पीछे चला जाएगा, अंदर चली जाएगी, अंदर कुल मिला के लाइटिंग जो है अंदर चली जाएगी। इसके बाद आपको फिर से एक इफेक्ट ऐड और कर लेना है, ये वाला इफेक्ट आपको फिर से ऐड कर लेना है। और इसको भी आपको इस तरीके से तरीके से आने के बाद आपको ब्लेंडिंग में आना है, और इसको भी स्क्रीन कर देना इस तरीके से। इसको तो ऊपर ही रहने देना। इसके बाद आपको फिर से एक बार मीडिया के अंदर जाना है, तो ये इस तरीके से आप गाना भी ये बना बनाया ले सकते हो। इसके बाद इसको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा आपको, तो इस तरीके से आपको
क्रॉप करने के बाद आपको क्या कर लेना है फ्रेंड्स, इसका जो बैकग्राउंड है उसको हटा लेना है। इसके लिए आपको क्या कर लेना है, ब्लेंडिंग पे आना है और मल्टीपल कर देना है इसको। और फिर से यदि सही से कट नहीं हुई हो तो सही से कट कर देना। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ। अब आपको सेट कर लेना है सही से। तो भाई साहब का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसके बाद अब आपको क्या कर लेना है, इसको जितने भी रेशियो के अंदर है एक्सपोर्ट कर लेना। यदि कोई से भी पिक आपकी सेट नहीं हो, जैसे ये पिक आपकी सेट नहीं हो रही हो, जैसे ये नहीं हो रही, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है और थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से फ़ोटो को बस सेट कर लेना। इस तरीके से रख के आपको बस दोनों हाथ को जो है रख के वहाँ पे, और फोटो को आपको पहले फ़ोटो को टच करना है, उसके बाद ही उसको टच करना पेन एंड जूम को, ताकि आपका जो इफेक्ट है, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। जैसे ये इसका आप जो है पिक को आप नीचे लेके आना चाहते हो, तो पहले पेन एंड जूम में आने के बाद इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको कर लेना है। इससे आपका जो है वीडियो पर जो है अच्छे से इसके अंदर जो फेस है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आप दूसरे कपल कोई और भी लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। भाई साहब ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अब फ्रेंड्स इसमें जितने भी हमने जो भी लगाए हैं इन सब के जो है इनको स्पीकरों को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर भी वॉइस है, ताकि वो अपने जो गाने वाली वॉइस है वो सही से आ सके। तो इसके लिए आपको इन सब की वॉइस जो है आपको म्यूट कर देनी है। और भी आप अपनी पसंद का कोई गाना लगाना चाहते हो उसकी भी लगा सकते हो, नीचे आईडी देके। तो ये मैंने आपको लगाने के बाद बताई है, इस तरीके से आप ये भी लगा सकते हो। और आपके दिमाग में कोई दूसरी चल रही है तो वो भी आप लगा सकते हो, इसको हटा के इसको भी आपको सबको म्यूट कर देना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आपको सारे को म्यूट कर देना है, जितने भी आपने ग्रीन स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन जो भी रखी है सबको वॉइस को। और छोटी बड़ी हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसका डुप्लीकेट करके आगे पीछे कर लेना, और एक्स्ट्रा पार्ट हो उनको आपको हटा देना है इस तरीके से। जैसे ये वाला एक्स्ट्रा है तो इसको इस तरीके से आपको कट मार देना है। और ये जैसे यहाँ पे आपको, तो इसको यहाँ पे आपको स्प्लिट कर देना है, और इसी का आपको एक डुप्लीकेट ले लेना है इस तरीके से। तरीके से नीचे ऊपर जो भी जहाँ भी है वहाँ पे इक्वल कर लीजिएगा। थैंक यू।